Assalamualaikum, आप सबको एक बार फिर से बहुत वेलकम है मेरे चैनल पे। और आज हम आपके सामने आए हैं एक बड़ी ही जबरदस्ती चटनी की रेसिपी लेके, जो कि हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से और जो हर घर की पसंदीदा और सबको बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ आज मैं बना रही हूँ इमली की खट्टी मीठी चटनी बहुत ही सिंपल मेथड से। और जैसे कि ये बहुत ही फेमस है ये चटनी, और रमज़ान करीब है, सब घरों में ये बना के फ्रीज की जाती है, रखी जाती है। तो मैं बताऊंगी आपको कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ इसको, मेरा मेथड देखिएगा और वीडियो को स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा, वीडियो एंड तक ज़रूर देखा करें और पूरा मेथड देखिएगा कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो एंड तक ज़रूर देखा करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। और यहाँ मैंने रखा है एक बाउल में इमली का पल्प निकाल के, इमली का पल्प यानी कि इमली की मैंने जो है भिगो दिया था इमली को 2 घंटे के करीब, 1 से 1.5 घंटे के करीब मैंने इमली को पानी में भिगो दिया था। और भिगोने के बाद जो है वो मैंने उसको अच्छे से उसको अलहदा कर लिए, उसकी सीड्स ये देखें मैंने सीड्स बिल्कुल अलहदा कर लिए, और इसकी जो जड़ें वगैरह होती हैं उसमें उसको मैंने सबको अलहदा किया और इस पर थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के तमाम उसको मैंने निकाल लिया है गूदे को इस बाउल में। और ये जो है वो सीड्स रह गए हैं उसके, और जो लच्छे से होते हैं इमली में बस वही हैं बिल्कुल, अब इसमें गूदा वगैरह बाकी नहीं है, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो यहाँ अब मैंने रख कर दिया है फ्लेम ऑन, और फ्लेम ऑन करके उसके बाद रखी है मैंने एक पतीली। इमली मेरे पास थी तकरीबन 1 पाव से थोड़ी सी कम थी, तो मैंने तमाम ही जो है वो भिगो दी थी कि जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो फिर काम भी अच्छे से हो जाना चाहिए। तो यहाँ मैंने इमली के पल्प को डाल दिया है इसके अंदर, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी भी डाला था, इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी और तकरीबन 1/2 ग्लास, क्योंकि हम इसको कुक करेंगे अच्छे से, ठीक है। अब मैं इसको कवर करके इसको जोश आने तक इसको पकाऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर क्या करना है। बहुत ही सिंपल है, कोई अदरक नहीं जाएगा, कोई सौंफ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स हम इसके अंदर शामिल करेंगे, बेहतरीन सी हमारी चटनी तैयार होगी खट्टी मीठी। और हमारे इमली के पानी को अच्छा सा बॉयल आ गया है, पक रही है ये। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे चीनी, अगर आपके पास गुड़ है तो आप गुड़ भी शामिल कर दें, उससे इसका फ्लेवर मजीद अच्छा हो जाएगा, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, चीनी डाल देंगे। मैं इसके अंदर डालूंगी, ये बड़ा वाला चम्मच है, ये देखिए ये वाला स्पून है, मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन 4 चम्मच, क्योंकि हमने खट्टी मीठी बनानी है, सिर्फ खट्टी नहीं बनानी। इसको मिक्स करते हैं और इसके साथ इसके अंदर सिर्फ 3 मसाले में डालूंगी। वो 3 मसाले क्या हैं वो आपको बताते हैं। ये है मेरे पास यहाँ पे काला नमक, ठीक है, काला नमक लिया है मैंने, ये तो खैर बड़ा चम्मच है, तकरीबन मैंने 1/2 चम्मच काला नमक डाल दिया। काला नमक डालने से इसका फ्लेवर बेहतरीन हो जाएगा। उसके साथ हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा जो आम नमक होता है हमारे पास वो डाल दिया, और थोड़ी सी हम इसके अंदर डाल देंगे लाल पिसी हुई मिर्ची। इसको करेंगे अच्छा सा मिक्स, तकरीबन मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करूंगी 15 से 20 मिनट, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको कुक करना है, ठीक है, ताकि चीनी अच्छे से डिजॉल्व हो जाए, सब मसाले इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। इतनी बेहतरीन हमारी ये चटनी बनने वाली है, और मेरे इन-लॉज में जो है वो इसी तरीके से इमली की चटनी बनाई जाती है। तो ये तो फ्लेम हाई हो जाता है, मैं इसको सेंटर वाले फ्लेम पे जो है वो ट्रांसफर करूंगी, बिल्कुल लो फ्लेम करके इसको मैं रख दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, मैं इसको हल्की फ्लेम पे पकाऊंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए पक पक के जो है वो जितना इसका पल्प था, जितना पानी था, वो तकरीबन आधा रह गया है, लेकिन अभी भी इसमें भरपूर तरीके से जो गाढ़ापन हमें चाहिए वो नहीं आया। मज़ीद इसको कुक करूंगी मैं, लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ा जल्दी है और जल्दी आप चाहते हैं कि फटाफट इसको पका के एक तरफ हो जाए, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी में जो है वो थोड़े से पानी में 1 बड़ा चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर का मिला लें, मिक्स करें, डिजॉल्व करें कॉर्नफ्लोर उसमें, और वो इसमें शामिल कर दें, फटाफट गाढ़ी हो जाएगी। तो बस मैं इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी, क्योंकि अभी देखिए गाढ़ापन तो इसमें आया है लेकिन वो चीज़ नहीं आई जो हमें चाहिए। और यहाँ देखिए मज़ीद मैंने इसको कुक किया, और अब ये बिल्कुल जो चीज़ हमें चाहिए थी वो बिल्कुल आ गई है, ये देखें बिल्कुल उसी तरीके से चटनी गाढ़ी हो गई है हमारी,
ठीक है, लेकिन मैं अभी इसको बस एक मिनट के लिए तैयार पकाऊंगी और उसके बाद मैंने इसका मीठा चेक किया है। आप लोग भी ज़रूर इसका मीठापन जो है वो चेक कर लें और ये साइडों से ना लगे, ज़रा ख्याल रखिएगा। और इसके बाद जो है बस मैं इसको ठंडा करूंगी और आप इसको किसी भी बोतल में, चाहे वो प्लास्टिक की है या शीशे की है, जो भी आपके पास घर पे मौजूद है, आप उसके अंदर इसको डालें। और आपको इसको कहाँ रखना है, फ्रिज में या फ्रीजर में, वो मैं आपको एंड में बताऊंगी। और ये चटनी हमारी ठंडी हो गई, इसको मैंने बाउल में निकाला है आप लोगों को दिखाने के लिए। बहुत ही मज़े की बनी है ये, मीठा मैंने इसका चेक कर लिया, आप लोग भी चेक करना मत भूलिएगा। और मैंने इसको बाउल में निकाला है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको किस तरीके से फ्रिज में रखना है या फ्रीजर में। तो आप लोग इसको किसी भी जार में, प्लास्टिक का हो या शीशे का हो, जो भी जार आपके पास हो घर में, आप उसके अंदर इसको डाल के हमेशा इसको फ्रीज़र में रखें। फ्रीज़र में रखने से क्या होगा कि इसके ऊपर फफूंदी नहीं लगेगी, ये ख़राब नहीं होगी। अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी जल्दी। और आपको जब भी इसको इस्तेमाल करना हो तो आप इसको 10 से 15 मिनट पहले फ्रीज़र से निकाल के बाहर रखें, ये फ़ौरन से मेल्ट हो जाती है। और फिर आपको जितना इस्तेमाल करनी है आप निकाल के दोबारा से इसको वापस फ्रीज़र में रख दें, तो ये कभी भी ख़राब नहीं होगी और लॉन्ग टाइम आपके पास चलेगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो रेसिपी कैसी लगी। ये मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी ज़रूर बनाइएगा अपने घर पे, एंजॉय कीजिएगा रमज़ान में। और मुझे अपने गाँव में याद रखिएगा, एक नई वीडियो में मेरे